हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कैमरा स्ट्रिंग्स की नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरे पास में निकोन का 7200 कैमरा है और आज इस कैमरे का लेंस हम साफ करने वाले हैं। अभी देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके के जाले इसमें यहाँ पर लेंस पर बन गए हैं। तो दोस्तों, ये फंगस होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि दोस्तों कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फोकस में नहीं आ पाता है और इसी के कारण से हमारा जो फोटो है बहुत सी बार ब्लर मार जाता है। तो इसको हम किस तरीके से क्लीन करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस लेंस को क्लीन करते हैं। तो दोस्तों, लेंस को खोलने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में क्लीन करने के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लीन करने के लिए मेरे पास में ये थिनर है, थोड़ा सा कुछ इसमें बचा हुआ है क्योंकि उड़ जाता है पेट्रोल की तरह। और ये कि जो प्रकार आता है दोस्तों, जो हम मैथमेटिक्स में काम लेते हैं, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है इस लेंस को खोलने के लिए। साथ में एक चिमटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैंने यहाँ पर ले ली है। एक विजिटिंग कार्ड हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको मैंने ले लिया है। और एक क्लीन कपड़ा, ये देखिए, जिसमें बिल्कुल ड्रेसें ना निकले हों, इस तरीके का आपको एक कपड़ा ले लेना है। तो इन सबको हम रखते हैं पहले साइड पे। और इस लेंस का ऊपर का जो यूवी फिल्टर है, इसको हमें खोलना होगा। तो सबसे पहले आपको यूवी फिल्टर को खोल लेना है, तो इसको आपको सावधानी से खोलना होगा। अगर आपके टाइट है तो थोड़ा इसको आप सावधानी से खोलें, और सावधानी से खोल के इसको आपको साइड पे रख लेना है। तो ये मैंने साइड पे इसको रख दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक कोटिंग लगी होती है ब्लैक कलर की, तो इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें इस विजिटिंग कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको हम इस तरीके से घुमा के और निकालेंगे, जिससे कि ये अच्छे से निकल जाए। ये देखिए, क्योंकि चिपका हुआ होता है, तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर घुमा देता हूँ ताकि इस लेंस पे रेशे भी नहीं आए। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसको खोलना है सावधानी से। दोस्तों, अगर आप एक्सपर्ट हैं इस तरीके के काम करने में, तभी आप इस तरीके का लेंस को खोलें, अन्यथा आप लेंस को ओपन ना करें, कहीं मैकेनिक से आप क्लीन करवाएं। तो मुझे तो हैबिट है इन सब कामों की, इसलिए मैं आपको खोल के और क्लीन करके बता रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको निकालने के बाद में आपको चिमटी की मदद से इस कोटिंग को यहाँ पर निकाल लेना है, इस तरीके से। थोड़ा सावधानी से आपको निकालना है इसको। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसको निकाल के एक साइड पर रख लेनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए होते हैं ये, तो इनको हमें खोलना होता है। तो इनको खोलने के लिए पहले यहाँ पर क्या करना है कि इस प्रकार को हमें रखना है यहाँ पर, और एक साइड पे यहाँ पर रखना है। तो इसकी मैं चौड़ाई को यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। ये देखिए, इसको हमें सेट कर लूँगा यहाँ पर। ये देखिए, इस तरीके से ये सेट हो गया है। तो इसको आपको यहाँ पर इस तरीके रख कर और आपको उल्टी दिशा में घुमाना है इस तरीके से, जिससे क्या होगा कि इसमें चूड़ी लगी होती है, तो ये चूड़ी आराम से यहाँ पर निकल जाती है इस तरीके से। इस तरीके से आपको इसको घुमा लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी चूड़ी है जो निकाल ली है इस तरीके से। बहुत ही इजी है अगर आप करेंगे तो। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी चूड़ी इस तरीके से निकाल ली है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस कपड़े पे निकाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस लेंस को निकाल लिया है। अब कैमरे में रखता हूँ थोड़ा साइड पे, वो साइड पे रख के इसको मैं यहाँ पर थोड़ा कवर कर देता हूँ, तो इससे डस्ट वगैरह इस पर नहीं जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों, ये इसमें रिंग लगी होती है यहाँ पर, तो इनको भी आपको निकाल के और साइड पे रख लेना है। तो मैं इन रिंग को भी साइड पे रख लेता हूँ यहाँ पर।
अब देखिए दोस्तों, ये जो लेंस है इस पर क्या होता है कि ये ज्वाले बन जाते हैं इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, इसमें ज्वाले बन गए हैं। तो इन ज्वालों की वजह से ही इसमें ये फंगस लग जाता है और इसी कारण से हमारा जो फोकस है वो आउट होता है और फ़ोटो क्लीन नहीं आती है। तो इसको हम अब क्लीन करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको इस लेंस को यहाँ पर रख लेना है और ये जो थिनर हमने लिया था तो इस थिनर को हम इस कपड़े पे लगाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा, तो थोड़ा सा थिनर मैं यहाँ पर इस कपड़े पे ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस थिनर को ले लिया है और इसको आपको थोड़ा सावधानी से क्लीन करना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको इस फंगस को यहाँ पर क्लीन कर लेना है, तो इससे आपका जो लेंस है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल सूखी वाली जगह पे आपको इस तरीके से इसको पोंछ लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर साफ कर लिया है, तो हमारा जो लेंस है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, इस पर बिल्कुल भी फंगस नहीं रहेगा दोस्तों। और आगे से भी आपको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है और ये काम बिल्कुल सावधानी से आपको करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप मार्केट में इस काम को करवाएंगे दोस्तों तो हो सकता है आपके 1000-1500 रुपये लग जाएं। अगर आप इस काम को घर पे करेंगे तो बहुत ही सस्ते बजट में आपका ये काम हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर लेना है, कागज़, और कागज़ की मदद से आपको इस लेंस को यहाँ पर साफ कर देना है इस तरीके से। तो इस पर बिल्कुल भी रेशे नहीं रहेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल क्लीन कर देगा ये कागज़। इस तरीके से आपको इसको क्लीन कर लेना है और पीछे से भी आपको इसको क्लीन कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल ये जो हमारा लेंस है ये क्लीन हो चुका है। थोड़े बहुत रेशे दोस्तों उड़ उड़ के आ भी जाते हैं, तो इनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये लेंस साफ हो चुका है अच्छी तरीके से। अब जो रिंग है दोस्तों हमें यहाँ पर इसमें वापस से लगा लेनी है इस तरीके से। और रिंग लगाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, वापस से अपना लेंस लेना है और लेंस लेके दोस्तों और इस पर वापस से फिक्स कर लेना है। अंदर का लेंस बिल्कुल साफ है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब हम वापस से इसको फिट करने वाले हैं, तो बड़ी सावधानी से आपको फिट करना है और देख लेना है कहीं पर रेशे वगैरह तो वापस से लग नहीं गए हैं इसमें। आगे से भी थोड़ा देख लेता हूँ मैं इसको। अब दोस्तों वापस से मैं इस लेंस को यहाँ पर फिट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको इसको वापस से फिट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको फिट कर दिया है और प्रकार की मदद से वापस से आपको इसको घुमाना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको घुमा लेना है, तो इससे इसकी जो चूड़ी है दोस्तों फिक्स हो जाएगी। ये देखिए इसकी चूड़ी यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, जैसा पहले लग रहा था उसी हिसाब से इसको सही कर लेना है। अब ये लेंस यहाँ पर फिट हो चुका है इसमें। अब हमें इसकी कोटिंग है यहाँ पर वापस से लगानी पड़ेगी, ब्लैक वाली। तो ब्लैक वाली कोटिंग मैं यहाँ पर लगाने से पहले एक बार फिर से इसको क्लीन कर लेता हूँ ऊपर। ये देखिए अब मैं वापस से इसकी जो ब्लैक कोटिंग है दोस्तों यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से ब्लैक कोटिंग आपको यहाँ पर इसमें लगा देनी है। ये देखिए ये जो ब्लैक कोटिंग है दोस्तों मैंने यहाँ पर इसमें लगा दी है इस तरीके से। और जो यूवी फिल्टर है दोस्तों इसको भी आपको क्लीन करके और लगा लेना है। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर रखने पे थोड़ी डस्ट इसमें जम गई थी, तो मैंने यूवी फिल्टर यहाँ पर क्लीन कर लिया है।
अब दोस्तों मैं वापस से यूवी फिल्टर को यहाँ पर इस पर लगा रहा हूँ। ये देखिए आराम से आपको यूवी फिल्टर को इसको फिट कर लेना है इसके ऊपर। ये देखिए हमारा यूवी फिल्टर इस पर लग चुका है। अब मैं वापस से आपको दिखाता हूँ कि इसमें फंगस है या नहीं है। अभी देखिए दोस्तों वापस से मैं लेंस को जूम करता हूँ और जूम करके मैं आपको यहाँ पर क्लीनली दिखा देता हूँ कि पहले इसमें जिस तरीके का फंगस था अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने अच्छी तरीके से इस लेंस को क्लीन कर दिया है और जितना भी इसमें फंगस था हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ये देखिए अभी जो जाले थे वो नहीं दिख रहे हैं और हमारा जो लेंस है दोस्तों यहाँ पर क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने कैमरे के लेंस को क्लीन कर सकते हैं घर बैठे ही। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और हाथ की सफाई होनी चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपका जो लेंस है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आप मार्केट से पैसे बचा सकते हैं घर पर ही ये काम करके। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों आपको ऐसी कैमरा सेटिंग्स की वीडियो और टिप्स इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।